मैं भगवान का शुक्र मनाऊंगा कि मेरी फैमिली एयरपोर्ट के जिस जगह है दैट इज द सेफेस्ट प्लेस आफ्टर मल्टीपल लेयर्स सिक्योरिटी लेयर्स वो लोग ट्रांजिट में हैं जो वो लोग जेट एयरवेज से ट्रैवल कर रहे हैं ट्रांजिट उनका ब्रसल्स है ब्रसल्स से फिर वो लोग न्यूयॉर्क जा रहे हैं अभी जब मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि एज सून एज डे लैंडेड तो मैं जब भी मेरी फैमिली मेरे बच्चे या मेरी वाइफ जब भी ट्रैवल करते हैं तो मैं सो नहीं पाता हूँ जब तक वो लोग कहीं लैंड ना कर जाए और ये लॉन्ग फ्लाइट थी 7-8 आवर्स की सो मैं रात भर सोया नहीं था पता नहीं क्यों मुझे अनईजी लग रहा था और जैसे ही वो लोग लैंड हुए मैं बार बार चेक करता था कि व्हाट्सअप ऑन हुआ कि नहीं हुआ तो फिर फाइनली व्हाट्सअप पे मैसेज आया कि वी जस्ट लैंडेड तो फिर मैंने फ़ोन किया उनसे बात हुआ सब एवरीथिंग इज़ ओके बोला हम लोग लाउंज में जा रहे हैं फ्रेशन अप होने और कुछ खाएंगे पियेंगे उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करने के बाद नेक्स्ट फ्लाइट गेट के पास ही में हम न्यूयॉर्क जाएंगे उसके बाद मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो गया सोया नहीं था फिर मैंने काफ़ी मिस कॉल देखे अपनी वाइफ के जब मैं उठा आधे घंटे बाद फिर मैंने फ़ोन किया तो उसने बोले कि एक दिन बिल्कुल अफरा तफरी मचा हुआ है पूरा सिचुएशन बहुत ख़राब है एयरपोर्ट पे और पब्लिक अनाउंसमेंट बार बार आ रहा है कि इवैक्यूएट द एयरपोर्ट अभी इवैक्यूएट करके कहाँ जाएं हम लोग तो ट्रांजिट हैं वी डोंट हम बाहर क्यों जाएं कहाँ जाएं क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कोई अथॉरिटीज़ उनको गाइड करने वाली नहीं थी सिर्फ अनाउंसमेंट चल रहा है और ना तो उस समय एयरलाइंस का कोई स्टाफ था क्योंकि 3 घंटे का गैप था कोई सिक्योरिटी नहीं थी तो उस ऐसा माहौल ऐसा हो गया सब डरे कहाँ जाए क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा था फिर उनको बोला कि आप लोग उधर ही वेट करो जहाँ पे हो डोंट मूव फिर हुआ फिर बोला आपका जो भी अलॉटेड गेट है आप लोग गेट के पास जाओ गेट के पास गए थे सिक्योरिटी पीपल दे जस्ट सेड कि कीप योर बैग हियर तो हैंडबैग जिसमें सारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पैसे कैश ज्वेलरी पासपोर्ट सब रहता है सब उन्होंने ले लिया किसी तरह माय वाइफ टुक आउट द पासपोर्ट और फोन मेरा बेटा और वो लोग एक पासपोर्ट के साथ बाहर निकल आए हैं उनको टर्मैक पे दैट इज द सेफेस्ट प्लेस उनको बोला आप लोग टर्मैक पे उनको टर्मैक पे वो लोग स्टिल वेटिंग एट टर्मैक